नमस्कार, मैं साक्षी अमिनस न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं लोकसभा चुनाव की अभी तक की प्रमुख खबरें। अनिल अंबानी के बाद अब बीजेपी पर हमले के लिए राहुल गांधी ने टाटा को भी लपेटा। झारखंड के चाईबासा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी सरकार थी तो वहाँ बस्तर में आदिवासियों की जमीन लेकर टाटा को दे दी गयी थी। अमित शाह बोले, अगर श्री राम का नाम भारत में नहीं लेंगे तो क्या पाकिस्तान में लेंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि मैं 3 दिनों से देख रहा हूँ, बंगाल में जय श्री राम बोलने पर ममता दीदी ने ऐतराज जताया है। मैं ममता दीदी से पूछना चाहता हूँ कि दीदी, अगर हम श्री राम का नाम भारत में नहीं लेंगे तो पाकिस्तान में लेंगे क्या। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को बताया दुर्योधन, बोली मेरे शहीद पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को दुर्योधन बताया और कहा है कि उन्होंने मेरे शहीद पिता का अपमान किया है, बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रियंका गांधी ने मंच से उतरकर लोगों से मुलाकात भी की। केसीआर को झटका, थर्ड फ्रंट के लिए साथ नहीं आएंगे स्टालिन। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी गठबंधन यानी थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशों में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को करारा झटका लगा है। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने थर्ड फ्रंट को लेकर केसीआर से मुलाकात करने से कथित तौर पर मना कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका, शिरोमणि अकाली दल ने कांग्रेस को दिया समर्थन। दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एनडीए की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल दिल्ली एसएडीडी ने कांग्रेस का समर्थन करने का ऐलान किया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने केजरीवाल सिसोदिया को जारी की नोटिस। दिल्ली चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने की शिकायत मिलने पर सोमवार को 2 अलग-अलग मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। हेमंत करकरे ने कभी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। फडणवीस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उनके राज्य के पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे ने कभी भी हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। प्रज्ञा सिंह ठाकुर द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। कुशीनगर में बोले अखिलेश, सरकार बनने पर चीलम मिलने तक कराऊंगा बाबा मुख्यमंत्री के घर की जांच। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कुशीनगर में कहा कि जिस तरह से उन्होंने टोटी खोजने के लिए भेजा था, वैसे ही मेरी सरकार बनने पर उन्हीं अधिकारियों को उनके घर भेजूंगा और तब तक जांच कराऊंगा जब तक उनके घर में चीलम नहीं मिल जाएगा। मैं बदले में प्यार की ही बात करता रहूंगा राहुल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता पूर्व पीएम राजीव गांधी पर बयान को लेकर कहा है कि मेरे मन में मोदी के लिए कोई बैर नहीं है, आप नफरत करो मेरी तरफ से तो प्यार ही मिलेगा। बिहार होटल के कमरे में मिली ईवीएम और वीवीपैट मशीन। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के दौरान बिहार के मुजफ्फर में स्थित होटल में ईवीएम और वीवीपैट मशीन मिलने से हड़कंप मच गया है। मुजफ्फर के डीएम आलोक रंजन घोष का कहना है कि उन्हें इन मशीनों को होटल में नहीं रखना चाहिए था, यह नियमों के खिलाफ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर जावेद अख्तर पर मुकदमा दर्ज। मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर टिप्पणी कर गीतकार जावेद अख्तर मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। ईचागढ़ विधायक साधु चरण महतो की दबंगई का वीडियो वायरल। सरायकेला के ईचागढ़ के बीजेपी विधायक साधु चरण महतो एक वायरल वीडियो को लेकर चर्चे में है। ये वायरल वीडियो सोमवार को हुए झारखंड के चुनाव के दौरान का है, जब चांडिल के चैनपुर में बूथ संख्या 282 पर जाकर विधायक पोलिंग एजेंट और पुलिस कर्मियों से। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।